जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट, और पिछले दिन हम लोग सीखे थे बहुपद का शून्यक निकालना, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, टोटल क्लियर कर लिए थे हम लोग। और आज सीखने वाले हैं कि यदि बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यदि उसका शून्यक दिया हुआ रहेगा तो उस शून्यक से बहुपद कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार, यदि आपका बहुपद दिया हुआ था तो इससे पहले हम लोग शून्यक निकालना सीखे थे, और आज सीखेंगे कि यदि शून्यक दिया हुआ रहेगा तो बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होता है, मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दे रहा है, दो टाइप से क्वेश्चन आपको देगा। टाइप वन में क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, टाइप वन इसमें क्या आपका रहेगा, इसमें आपको देगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, आपको दे देगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। शून्यकों का योगफल कहने का क्या मतलब है? शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी ये आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इससे बहुपद निकालना है, यानी द्विघात बहुपद निकालना है। समझ में आ रहा है? शून्यकों के योगफल और गुणनफल से आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए ठीक से, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k क्या है? तो यहां पर k जो है आपका कांस्टेंट होता है। k क्या है? कांस्टेंट है। अब इसका क्या काम है, हम लोग जब क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां पर आसानी से समझेंगे। दूसरे शब्दों में आप यह समझ सकते हैं कि यदि आपको द्विघात बहुपद निकालना है जबकि उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी एक बार माइनस योगफल और एक बार प्लस और उसका गुणनफल। समझ में आ गया? अब आइए सवाल पर चलते हैं आपको लेकर, कि सवाल आपको दिया हुआ रहेगा। देखिए सवाल का हेडिंग जो है क्या कहता है, कि नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योगफल और गुणनफल के मान हैं, तो प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी वहां पर दे रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल है, यानी जो पहले है योगफल है, जो पहले दिया गया है योगफल है, उसमें लिखा हुआ रहेगा योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल क्रमशः योगफल और गुणनफल, यानी पहले वाला जो है, जो पहले लिखा हुआ है ये योगफल है, और जो बाद में लिखा हुआ है ये क्या है, गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा है। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर है, तो एक के बराबर है। इसके बाद दूसरा दिया गया है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दिया गया है, वो भी एक दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो
दैट, यानी हम जानते हैं कि, आप जो जानते हैं वो यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी एक बार जोड़ कर और एक बार गुना करके लिखना है, पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस। आइए लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो बाबू फटाफट से मान रख दो, अब इसमें जल्दी जल्दी से मान रख दो, टोटल क्वेश्चन बनेगा। k ज्यों का त्यों, k ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर वन, तो वन इंटू एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर भी वन ही है, हाँ वन लिख लिए। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा अब आपका बारी है कि k के जगह पर कितना रखेंगे, ठीक है k के जगह पर क्या रख दें। तो देखिए जो बटा में यदि कुछ बच जाएगा, समझ में आ रहा है, यदि बटा में कोई कांस्टेंट बचेगा तो के जगह पर उतना ही रखेंगे जितना बट्टा में आएगा, और यदि बट्टा में कुछ नहीं बचेगा तो के बराबर हमेशा वन रखेंगे। के बराबर एक रखने पर, तो जैसे ही के जगह एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देख लीजिए बहुपद बन गया, देख लीजिए द्विघात बहुपद बन गया, किसी को दिक्कत? बहुत ही सिंपल है, आपको केवल ये चीजें याद रखना है और ये बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर पहले माइनस, फिर दोनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, एक दो सवाल और इस पर कर लेते हैं, ये तो सिंपल सवाल था, एक दो बट्टा वाला या रूट वाला भी कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, और बाकी बच्चे सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है, जरूर से जरूर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये बैच धीरे धीरे अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से जो है ऐसे डिले चल रहा था क्लास, लेकिन अब सेटअप वगैरह ठीक हो गया है, तो आप लोग को पर डे वीडियो मिलेगा अब, ठीक है, पर डे वीडियो मिलेगा। तो यदि आपके आसपास कोई भी बच्चे होंगे जो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी देंगे, साथ में पीडीएफ आपको मिलेगा। थोड़ा सा असुविधा जो हो जाता है उसके पीछे रीजन है कि हम अकेले काम करने वाले हैं, तो मतलब सारे चीज को ठीक से शेड्यूल से ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब सब कुछ आप लोग का ठीक हो जाएगा, समय पर आप लोग का टेस्ट भी होगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा और डेली आपको वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है यहां पर दिया गया है, ये तो आपका फॉर्मूला है, ये आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाए तो कहीं साइड में इसको जरूर लिख कर रखें ताकि आपका काम आसानी से बन जाए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या है, कहता है कि एक बट्टा चार और माइनस वन, आपके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये जो द्विघात बहुपद का शून्यक है इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ मान है ये उसका योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ये इसका गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो हम लिखेंगे, ये दिया गया है ना, तो लिखिए दिया गया है, या फिर वही इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या लिखेगा, गिवन दैट, दिया गया है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर वन बाई फोर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस वन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, आप तो अब ये समझ गए हैं शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यह है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान जो है माइनस वन के बराबर है, ठीक है। चलिए अब कहता है आपको कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपका है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बारी बारी से मान रख दीजिए, के इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना रखना है आपको, देख लीजिए 1/4, तो लिखेंगे यहां 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रखेंगे -1, यानी आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस -1। अब ध्यान देना यहां से कि बट्टा में यदि कुछ बच गया तो आपको एक काम करना है बाबू, क्या काम करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, यहां भी बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, लॉसल ले लीजिए इसका। अभी के को ज्यों का त्यों रखिए, तो यदि आप लॉसल लेते हैं तो 4 आएगा, 1, 4 और 1 का लॉसल लीजिएगा तो कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। अब क्या करना है आपको कि 4 में 1 से भाग देंगे, ठीक है, तो भागफल 4 और 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x2, भिन्न का घटाव कर रहे हैं, माइनस यहां देखिएगा 4 में 4 से भाग देंगे भागफल 1 और 1 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x। फिर यहां देखिए 1 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 4 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर। अब आपको क्या बताया कि जो बट्टा में कांस्टेंट आएगा के जगह पर उतना ही रखना है, तो बट्टा में कांस्टेंट कितना आया, बट्टा में कांस्टेंट कितना है 4, तो यहां के जगह भी 4 लिखेंगे, यानी के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर ये 4 4x2 माइनस एक्स माइनस 4 बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसलिए 4x2 माइनस एक्स माइनस 4 ये हो गया इसका इस शून्य का बहुपद। ठीक है, ये दो शून्य जो आपका दिया गया था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इससे बन गया ये द्विघात बहुपद। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, एक सवाल और देखेंगे, बाकी सवाल अब आपको बनाना है, एक रूट वाले सवाल को देख लेते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है अब रूट वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, चाहे वो रूट वाला है या फिर बिना रूट वाला है या फिर बटा वाला है या फिर जीरो ही न क्यों हो जाए, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस आपको केवल जोर घाटा आना चाहिए, जो आपने 6, 7, 8 में अच्छा से सीख लिया होगा बहुत आसानी से। चलिए क्या करते हैं कि यहां जो आपका दिया गया है वही बात है कि शून्यकों का योगफल और ये गुणनफल दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा रूट 5, फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 5, इसको शून्यकों का योगफल और इसको शून्यकों का गुणनफल आप कहेंगे। इसके बाद आपको निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए के अभी कुछ नहीं करना है, के को बिल्कुल ज्यों का त्यों लेके चलना है, मान तो आप सिर्फ ये दोनों की जगह पर रखना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया रूट 5, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है माइनस रूट 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5। अब बताइए कि बट्टा में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं है बट्टा में, तो क्या करेंगे, जब बट्टा में कुछ नहीं है तो के जगह पर कितना रखना है 1, लिखेंगे के बराबर 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स और इसके बाद आ जाएगा माइनस रूट 5 के से एक से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5, देख लीजिए आ गया। ठीक है, ये तो टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें उसका योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन सब बन जाएगा आपसे, दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अब चलते हैं इसी तरीके का प्रश्न जो होता है, एक टाइप 2 आता है इसी का, उसमें क्या दिया हुआ रहेगा इस पर विचार करते हैं अब हम। इसका टाइप 2 क्या है,
टाइप वन में तो आपको दिया हुआ रहेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, लेकिन टाइप टू में जो है आपको यह दिया हुआ रहेगा कि जब बहुपद का शून्यक, सिर्फ शून्यक योगफल और गुणनफल, और यहां आपको सिर्फ दिया हुआ रहेगा उसका शून्यक, उसमें जोड़कर और गुना करके दिया हुआ रहेगा, शून्यकों को जोड़कर और शून्यकों को गुना करके दिया हुआ रहेगा। लेकिन टाइप टू जो है इसमें आपको जो सवाल देगा वो सिर्फ और सिर्फ बहुपद का शून्यक देगा, ठीक है, बहुपद का शून्यक देगा, यानी अल्फा और बीटा का मान देगा, वहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान देगा। लेकिन टाइप टू में जो आपका है यहां पर क्या देगा, शून्यक देगा, शून्यक, शून्यक यानी अल्फा का मान और बीटा का मान देगा, सिर्फ सिर्फ अल्फा का मान और बीटा का मान देगा। तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप आसानी से ऐसे सवाल को बना पाएंगे। आइए हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से सवाल को बनाना है। पहले तो एक आसान सा सवाल हम अभी लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपका यहां की दे देगा कि उसका शून्यक दो और तीन है, ठीक है, जो द्विघात बहुपद आपको निकालना है उसका शून्यक एक दो है और एक कितना है, तीन है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो लिखेंगे, देखिए दिखने में सवाल आपको एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसके हेडिंग को जब पढ़िएगा तो उसमें डिफरेंट आपको पता चलेगा कि ये शून्यक वाला है कि योगफल और गुणनफल वाला है। स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ रहेगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। और टाइप टू वाले सवाल में आपको लिखा हुआ रहेगा, टाइप टू वाला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जब बहुपद का शून्यक दिया गया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जब बहुपद का शून्यक दिया गया है तो बहुपद का तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आइए अब आपको क्या दिया गया है, तो दिया गया है, दिया गया है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक यानी अल्फा, यही तो अल्फा पहला को मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा बराबर दो और इसके बाद बीटा बराबर तीन, अल्फा बराबर दो और बीटा बराबर तीन। तो अब आपको करना क्या है, देखिए द्विघात बहुपद यहां आपके सामने में है, कैसे निकालना है, तो लिखेंगे वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि क्या, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, के ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले क्या था कि यहां पर ये दोनों जोड़ कर लिखल था, लेकिन अभी दोनों अलग अलग है, अल्फा का मान अलग है बीटा का मान अलग है, यानी आपको अब खुद जोड़ना पड़ेगा, आसान का में नहीं जोड़ सकते हैं। यहां पर दो है और तीन है, तो दो प्लस तीन इंटू एक्स, अब प्लस कर रहे दोनों को गुना करना है तो दो को तीन से गुना कर दीजिए, यानी दो गुने तीन हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, दो और तीन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पांच, यानी हो जाएगा फाइव एक्स, और प्लस दो और तीन को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स। बटा में कुछ है क्या, देखिए तो बटा में कुछ है, कोई नहीं है बटा में, तो क्या रखना है, के जगह पर वन लिखेंगे, के बराबर वन रखने पर तो क्या आ जाएगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, राइट, किसी को दिक्कत, बोलिए किसी को दिक्कत है, नहीं ना, देख लीजिए कितना आसान हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसमें एक और सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी उसमें रूट वगैरह लग के आएगा, घबराना आपको नहीं है, यदि आप जोर सीखे हुए हैं, घटाव सीखे हुए हैं, गुना सीखे हुए हैं, भाग सीखे हुए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आना चाहिए, गणित हम सिखा देंगे आपको,
जोर घटाओ गुना भाग यदि आप सीख लिए हैं, क्योंकि ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है ना, आप नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, स्टैंडर्ड वन में जाते जाते ये चीज सीख जाते हैं, ठीक है। अरे ना बेसिक तीसरा चौथा में तो जाते जाते सीखे जाते हैं जोर घटाओ। तो यदि आपने इतना सीख लिया है तो हम गारंटी लेते हैं कि गणित आपको सिखा लेंगे, ठीक है। हाँ, बस ये चीजें आपको केवल सीखना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको बता देते हैं, केवल जोर घटाओ करना है आपको, ठीक है। अब उतना भी ना कीजिएगा तो कहला गणित पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला जो आपका सवाल है क्या है, 3+√7 और फिर आपका है 3-√7। एक है आपका 3+√7, एक है आपका 3-√7। समझिएगा ठीक से कि जब ये 3+√7 है और ये 3-√7 है, ये दोनों आपका, ये एक शून्यक है और ये आपका दूसरा शून्यक है, ठीक है। दिया गया है, लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक यानी अल्फा बराबर 3+√7 और बीटा बराबर 3-√7, ठीक है। 3+√7 और 3-√7, आपको क्या करना है कि निकालना है इसका योगफल, निकालना है द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको चाहिए इसका योगफल और इसका गुणनफल। जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना कि जोर घटाओ में आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर है, ये जोर में है और एक यहां पर है, सो ये क्या है, घटाओ में है। तो आप यदि इसमें जोर घटाओ करेंगे, मतलब एक बार फार्मूला लिखकर जोर घटाओ करेंगे, तो हो सकता है कि कचरा हो जाए थोड़ा सा। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि पहले ही एक बार इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार जोड़ लीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, पहले जोड़ लीजिए एक बार। तो जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पर क्या है 3+√7 और फिर प्लस बीटा की जगह पर क्या है 3-√7, ठीक है। अब देखिए प्लस रूट सात से माइनस रूट सात कट गया, 3 कितना हो गया 6। अब एक बार आपको गुना करना है यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल, तो हो जाएगा 3+√7 और इंटू 3-√7। अब क्या हो जाएगा, तो यहां फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको फार्मूला याद होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां ए के जगह पर है 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कितना है रूट सात, तो आ जाएगा रूट सात का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस सात, रूट सात का स्क्वायर करेंगे 7, 9 में से 7 घट गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो अब आपको आपके लिए जो काम है वो बहुत आसान हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आपके पास है, यानी उसका योगफल और गुणनफल आपको मालूम चल गया। सीधे अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फटाफट से मान रख दो बाबू, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर तो 6 आया है, रखिए 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना आया है, गुना करने पर तो 2 आया है, तो लिखेंगे यहां पर 2, ठीक है। बटा में कुछ नहीं है तो k बराबर कितना लिखेंगे 1, यानी k बराबर 1 रखने पर, चलो 1 रख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+2, 1 से गुना करेंगे ज्यों करते हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+2 आंसर आ गया, देख लो बाबू, ठीक है। कैसा भी आपको शून्यक दे देगा, आप आसानी से उसका बहुपद, द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, एक अंतिम सवाल हम लोग करेंगे और इसके बाद आप लोग को सवाल बनाने के लिए जो दिया जाएगा इस पर आधारित टोटल सवाल आप लोग बना लीजिएगा,
ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे, समय कम है, पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और समय से आप लोग का कोर्स जो है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाइएगा, यानी जितना आपको मिलेगा बनाने के लिए क्वेश्चन आप लोग गर्दा उड़ा के बना दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को बना दीजिएगा, तो काफी मजेदार ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक अगला सवाल है, अब ये सवाल आपके सामने आएगा तो देखकर घबरा तो नहीं रहे हैं, गुरु जी के छेते घबरा गए, रुकिए कैसे घबरा दीजिएगा, सवाल आपको देगा तो उसको बनाने का तरीका है ना आपको बता दिए हैं। यहां पर जो है कह रहा है कि बहुपद का शून्यक है, माने ये अल्फा है आ ये बीटा है बाबू, ठीक है दिया गया है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, दिया गया है। अक्सर बच्चा क्या करता है, बड़का सवाल है, अरे बाप रे आपको ऐसा बनेगा, छोड़ हटाओ सर जी बनाते, ऐसे में काम चलेगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। सवाल यदि आपके सामने है, तरीका आपको मालूम है, तो एक दो बार अटेम्प्ट लेने में जाता क्या है, प्रेशर डाल के देखिए ना इस पर, आए जितना पबजी गेम खेलने में प्रेशर लगाते हैं ना उतना प्रेशर में लगा दीजिएगा ना, बहुत आगे चल जाइएगा, बुझ रहे हैं हाँ, उतना प्रेशर यहां लगा रहे कीजिए, उतना दिमाग यहां लगाइए। लिखेंगे अल्फा बराबर कितना है बाबू, 2 + √5/2, बीटा बराबर क्या है, 2 - √5/2। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, उससे पहले हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी दोनों को एक बार जोड़ लेना है, जोड़िए 2 + √5/2 + 2 - √5/2। ठीक है, यदि आप इसका लसन लेते हैं तो 2 आएगा, नहीं आएगा, भिन्न का जोर नहीं आता बनाने, सीख लीजिए पापा से भिन्न का जोर बनाना हाँ। चलिए तो क्या आ जाएगा, फिर 2 में 2 से भाग देंगे भागफल एक, यहाँ हो जाएगा आपका 2 + √5 फिर प्लस, इधर हो जाएगा आपका 2 - √5, ये √5 से √5 कट गया, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 / 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 बार में अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा यही है 2 + √5/2 आ इंटू 2 - √5/2। देखिए गुना कैसे करेंगे, तो बट्टा वाला को 2 × 2 = 4, बट्टा वाला हो गया 4, ऊपर वाला क्या है तो a + b या a - b, नहीं है a + b × a - b, तो हो जाएगा a² - b², तो 2 के स्क्वायर - √5 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 - 5 ना, यहाँ 5 बट्टा में हो गया 4, 4 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 / 4, यानी ये आ जाएगा -1/4, किसका मान आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान, और यहाँ है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आपको क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x² - α + β (x + α)β। हाँ यहां पर आगे में लिखना है बाबू के, चल मान रख दीजिए के इंटू x² - α + β की जगह पर कितना आया बाबू 2, तो लिखेंगे यहां पर 2 × x + α × β की जगह पर कितना आया -1/4, कोई बात नहीं, के इंटू x² - 2x - 1/4, यहां ध्यान से देखिएगा इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, यहां भी बट्टा में कुछ नहीं है तो क्यों, यहां पर 4 है बट्टा में, तो यहां पर तो भिन्न का घटाव करना ही पड़ेगा या जोड़, जो भी होगा कितना आ जाएगा 4 में 1 से भाग देंगे भागफल होगा 4, और 4 को x² से गुना करेंगे तो 4x², 4 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 × 2 = 8x, और यहां पर आ जाएगा आपका -4 में 4 से भाग देंगे भागफल 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। चलो बाबू बट्टा में जितना आया उतना ही k के जगह पर रखना है, तो k के जगह पर कितना रखना है k = 4 रखने पर, जैसे ही k = 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू
फोर एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस वन बट्टा में चार, चार से चार कट गया, फाइनल आंसर आपके सामने में है फोर एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस वन। देख लीजिए समझ में आ गया, कैसा भी क्वेश्चन होगा अब आप आसानी से बना पाएंगे। यदि आपने जोड़ घटाओ थोड़ा सा सीख लिया है बेसिक चीज तो आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। तो अब आपके सामने जो पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो आपको ग्रुप में पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन मिलेगा, उसमें एनसीईआरटी, केसी सिन्हा और भारती भवन के क्वेश्चन होंगे, जो कि पूरा का पूरा इसी टाइप पर होंगे, यानी टाइप वन और टाइप टू पर आधारित, टाइप वन और टाइप टू पर आधारित टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे कल इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।